ये आह्वान है उन बुलंद हौसलों का जिन्होंने समय और समाज को एक नई करवट लेने पर मजबूर किया है। ये कहानी है उस संगठित एहसास की जहां से सुदृढ़ भविष्य के सपने देखे जा सकते हैं। गांव-गांव अपनी सफलता का परचम लहराता जागो बहना समूह आज ग्रामीण महिलाओं के तमाम अधूरे सपनों को पूरा कर चुका है और इन सपनों की बुनियाद है एक दूसरे का साथ। वीना कुरुक्षेत्र जिले के उस्मानपुर गांव में रहती हैं। आज कई सालों बाद वो अपने भाई को पत्र लिख रही है। उसकी वर्षों पुरानी इस इच्छा को पूरी करने में साक्षरता अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कागज और कलम के रिश्ते ने इंसानी रिश्तों की जड़ें आज और भी मजबूत कर दी हैं। वीना की पढ़ने लिखने की इच्छा बचपन में पूरी न हो सकी। घर की गरीबी और पारिवारिक बोझ के सामने उसकी पढ़ने लिखने की इच्छा ने दम तोड़ दिया। पढ़ लिख सका तो केवल इकलौता भाई, जिसे वीना बहुत प्यार करती थी। गरीबी की चक्की में पिसती हुई जिंदगी ने वो समय भी देखा जब वीना जवान हुई और उसकी शादी कर दी गई। हर लड़की की तरह वीना की भी अपनी शादी से कई उम्मीदें थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ उसका जिंदगी भर का साथ जोड़ा जा रहा है वो एक अव्वल दर्जे का शराबी है। जहां उजाले की उम्मीद न हो वहां सूरज को तलाशना ना समझी है। वीना को लगा कि शायद उसके जीवन की नियति इन्हीं स्थितियों के साथ है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के इस यथार्थ को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार किया। एक शराबी था, अनपढ़ था, गवार था, मारपीट बहुत करता था, लेकिन जब भी मारपीट करता था मैं मायके चली जाती थी। एक साल भी रही, दो साल भी रही, फिर आ जाती थी। और एक दिन शिक्षा की रोशनी ने वीना के घर दस्तक दी। राजरानी, जो कि उस्मानपुर गांव की साक्षरता प्रेरक थी, उसने वीना को शिक्षित करने का निश्चय किया। वीना को भी लगा कि शायद इन अक्षरों के सहारे ही उसे जीवन की खुशियां नसीब हों। एक अजीब तरह के डर और भय के माहौल में वीना की पढ़ने लिखने की यात्रा शुरू हुई, क्योंकि पति के सामने इन बातों का खुलासा करने का मतलब था मारपीट। वीना ने रात के उस समय का बेहतर इस्तेमाल किया जब उसका पति शराब के नशे में सोया रहता था। जैसे कि वो शराब पीकर सो रहे हैं। मैं एक तरफ, मेरे हाथ में सिक्का होता था, पेन होता था और कॉपी होती थी। एक तरफ मैं उसकी तरफ देखती थी और एक तरफ मैं पति की तरफ देखती थी। जैसे कि एक तरफ डर लगता था कि जे उठ गया, इसने मेरे साथ मेरे को मारपीट करे, और दूसरी तरफ भी सीखना भी जरूरी था। और वाकई शब्दों की शक्ति ने जादू किया और वीना के रुके हुए कदम पड़ चले एक सुनहरे भविष्य की ओर, यानी जागो बहना समूह की ओर। जागो बहना, जो एक नाम है जागरूकता का, आपसी समझदारी का, सामाजिक विकास का।
हालातों से समझौता करना जीवन नहीं बल्कि स्थितियों से लड़कर उन्हें अपने अनुकूल बनाना ही जिंदगी है। ये बताते हुए समूह की औरतों ने मिलकर वीना को समझाया और ये विश्वास दिलाया कि जागो बहना समूह हर पल उसके साथ है। जागो बहना ने बहुत साथ दिया मेरा, आकर कहती थी जैसे कि मैं एकदम मारपीट करी है मेरे साथ, और मैं एकदम तो जैसे कि रात को मारपीट कर दी, घर से बाहर भी नहीं निकला जाता। वो सभी आती थी और मेरे को भी समझाती थी। मेरा दिल कहता था कि मैं मई के चली जाऊं, वो कहती थी नहीं यहीं रहना है। जागो बहना का साथ और राजरानी के द्वारा किए गए मार्गदर्शन के सहारे वीना पढ़ लिख गई। साक्षर होने से न केवल वीना की सोच में बदलाव आया बल्कि उसके पति के व्यवहार में भी सुधार आया। वीना की रुकी हुई जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। जैसे कि मेरे दिल में अरमान था, मैं वैसे ही पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। जैसे आज एक अक्षर सीख लिया, आज दो सीख लिए, उसके बाद तीन सीख लिए, उसके बाद पूरा कायदा आ गया, उसके बाद मैंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। वीना का विश्वास अब पक्का हो चला था कि उसे इन्हीं स्थितियों को बेहतर बनाना है। परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना ही जिंदगी है, डर कर भागना नहीं। घर वाला जैसे कमाई करता है, शराब कम पीता है, पहले ज्यादा पीता था अब कम पीता है, अब उसको भी ये फिक्र होगा कि लड़की ब्याहनी है, इसको पढ़ाना लिखाना है, जैसे इसको खान पान भी अच्छा देना चाहिए, जैसे मेरी कोई लड़का नहीं है, एक ही लड़की है, इसको मैं अच्छी शिक्षा दूँ कि जैसे मेरी जिंदगी गुजरी है वैसी मैं लड़की की नहीं गुजार सकता। आज वीना का परिवार पढ़ाई लिखाई की बदौलत एक खुशहाल परिवार है। जहां अब एक तरफ पति पत्नी का समझदारी भरा साथ है, वहीं बच्ची के भविष्य से जुड़े सुनहरे सपने आने वाले कल की बाट जो रहे हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है कुरुक्षेत्र जिले का मडाडू गांव, जहां हरियाली और खुशहाली के बीच पलता किसानी जीवन लोगों की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी मडाडू गांव की देवो अपने पति हरमेक सिंह के साथ सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करती है। जागो बहना समूह से जुड़ी देवो आज गांव की बहनों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उसकी शिक्षित सोच और जागरूक समझ ने ग्रामीण बहनों के बीच एक अनूठी छाप छोड़ी है। देवो बचपन से ही स्वभाव से मेहनती और अपने इरादों की पक्की महिला थी। शादी के बाद देवो ने पारिवारिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने संवेदनशील व्यवहार के कारण उसे देश दुनिया की खबरों में गहरी रुचि थी। वो अपने देवर से हर रोज अखबार मंगवाती और घटने वाली सामाजिक घटनाओं को ध्यानपूर्वक सुनती। देवो स्वयं अखबार नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उसकी इस इच्छा का क्या करे जो देवो के मन में बचपन से पल रही थी, और वो थी उसकी पढ़ने लिखने की इच्छा। पहले तो बहने थी दो, फिर बीच में भाई हुआ, तो उसके बाद भाई तो पढ़ने लगा दिया माँ बापों ने। हम लड़कियाँ दीजी घर के काम में लगाए रखा, पढ़ नहीं पाए, खेती बाड़ी का लालच माँ पिता ने लाले खेती का लालच किया, भी घर का काम गोबर वगैरह चकते रहे। तो इसके बाद जवान हो गए, तो जवान के बाद शर्माने लगी भी अब क्या पढ़ेंगे। जहाँ हालातों ने देवो को बचपन में पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया, वहीं उसके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने उसे अक्षर ज्ञान अपनाने का हौसला दिया। गांव की महिला साक्षरता प्रेरक प्रीतो ने जब केंद्र पर पढ़ाने लिखाने की शुरुआत की तो देवो ने सबसे पहले नाम लिखाया और इस मौके का पूरा फायदा उठाया। आबादी बढ़ने से वैसे ही पेड़ काट रहे हैं, इसी तरह रहा तो सारा देश भी निराला हो जाए, जाएगा।
देवों को जब भी घर गृहस्थी के कामों से फुर्सत मिलती वो पढ़ाई लिखाई में लग जाती, और अगर किसी ने स्वयं को साक्षर बनाने की ठान ही ली हो तो दिन क्या और रात क्या। जहां प्रीतू ने देवों को अक्षर जोड़ जोड़ कर सिखाया, वहीं देवों ने भी रात रात भर बैठकर पढ़ना लिखना सीखा। आज देवो अखबारी खबरें पढ़ने के लिए किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि अक्षर मिला मिला कर खबरें स्वयं समझ लेती है। मडाडो गांव की महिलाओं का जागो बहना समूह धीरे धीरे एक ऐसा मंच बन गया जहां शिक्षा जैसे मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। समय समय पर किए जाने वाले साक्षरता मूल्यांकनों ने ये बात सिद्ध कर दी कि गांव की महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत वाकई बढ़ा है। महिलाओं ने भी ऐसे अवसरों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अकबी मेरी इच्छा है तो मैं खुद ही पढ़ना लिखना, कोई अकबी चिट्ठी पत्र आज खुद ही बांच लेना चाहती हूँ। अकबी अनपढ़ता तो ऐसे है कि घास काट लिया पाल लिया और कोई काम ही नहीं होता है। इवन मैंने अपना नाम वगैरह थोड़ा बहुत ऐसा अकबी साथ में चीज़ रख के तो मैं लिख लेती हूँ भी, ऐसा अकबी मैं खुद पढ़ के सुनाऊँ दूसरे को सुनाऊँ, इतनी की इच्छा और है कि मैं और खुद सीख सकूँ। गीत की इन पंक्तियों में पढ़ने लिखने की उत्कट लालसा का आह्वान है, और आह्वान है उस सुबह का जहां सूर्य की पहली किरण के उजाले में रात का अंधेरा छट जाएगा। अक्षर ज्ञान की बदौलत देवो अपने आसपास के माहौल और अधिकारों को लेकर एक संजीदा सोच रखने लगी। बहनों को शिक्षित और जागरूक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया जागो बहना समूह देवों की भागीदारी से उठ खड़ा हुआ। जहां इस समूह ने बहनों की परेशानी को बारीकी से समझा, वहीं उनका बेहतर हल खोजने की भी ठानी। गांव के तमाम मुद्दों में जागो बहना समूह ने गांव की मिट्टी जबरन उठाने के मसले को प्राथमिकता दी। जमीन जो पिंड के आसपास की, उसमें से मिट्टी उठाते थे जी। हमने पहले तो बंदे ने कहा जी खुद इकट्ठे होकर पिंड के आने सारे ने उनसे कहा भी मिट्टी मत उठाना, तो अटे नहीं आया। तो एक दो आदमी आकर लाले मारते लगे कहना भी थम जागो बहन बनिया, कोई ग्रुप बनाया था नहीं कि भी थम रोको खुद ही। मन ने कहा कि भी आप हमारा साथ देंगे तो हम खुद ही हटाएंगे, तो उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया। मडाडो गांव की ग्राम पंचायत की भूमि से उठने वाली मिट्टी सबके लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। स्थानीय दबदबे वाले लोग इस मिट्टी का ठेका लेते थे और अपने फायदे के लिए शहर में बेचते थे। देवों के नेतृत्व में जागो बहना समूह ने इस क्रम को रोकने की न केवल पहल की, बल्कि इसका खुलेआम जमकर विरोध किया। स्वयं के बुलंद हौसलों और प्रशासनिक सेवा के कर्मचारियों की बदौलत जागो बहना समूह को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, और जबरन मिट्टी उठाने वालों को मैदान छोड़ना पड़ा। शिक्षा न केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को ही प्रभावित करती है, बल्कि पूरे समाज की दिशा को बदलने की क्षमता भी रखती है। पढ़ी लिखी देवों ने ग्रामीणों की अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं की तरफ भी प्रशासन का ध्यान खींचा, जैसे पीने के पानी की समस्या और विद्यालय की इमारत का निर्माण कार्य। आज मडाडो गांव का जागो बहना समूह न केवल अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक है, बल्कि समय की धारा को मोड़ने की ताकत रखता है। जागो बहना समूह की सफलता का अगला चरण पूरा किया गांव कोलापुर की महिलाओं ने।
जिन्होंने इस समूह को न केवल ऊंचाइयों पर पहुंचाया है बल्कि अलग अलग तरीकों से सजाया और संवारा है। इन्हीं प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं सुनीता। जागो बहना समूह की प्रधान सुनीता जो कि एक साधारण और परंपरागत रीति रिवाजों वाली महिला है। शुरू से ही खुले विचारों की पक्षधर सुनीता का उसके पति ने पूरा साथ दिया। मायके में सुनीता के पारिवारिक बंधनों ने उसकी कुछ इच्छाओं को पूरा नहीं होने दिया, जिसमें उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी ऊंची पढ़ाई करने की। मेरे पिताजी मना भी करते थे कि लड़की पढ़ानी नहीं चाहिए तो उसके बावजूद भी मैंने जिद की कि मैंने तो पढ़ना है। तो मतलब आठ मैंने जबरदस्ती कर ही ली। आठ तक का हमारे गांव में स्कूल था, तो फिर मतलब इस तरह जाना पड़ता था कि जैसे यहाँ से और पीपली, तो इतनी दूर फिर हमारे घर के ने मतलब मंजूरी ली दाखिल करने की स्कूल में। तो फिर मैंने कहा कि जो सहेलियाँ थी मेरे साथ की पढ़ने वाली, तो उसके मतलब पिताजी ने वो तो कर दी दाखिल, तो हमारे घर के ने नहीं की जी। मैं तो फिर मैंने कहा कि भी मैं तो पढ़ूंगी, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी जी, शादी कर दी मेरी। सुनीता की शादी के कई सालों बाद तक भी उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। सास की रूढ़िवादी सोच के रहते उसके ऊपर बंदिशों का कड़ा पहरा था। यदि उसे किसी भी महिला मंडल की बैठक में जाना होता तो सास के ताने सुनने पड़ते। लेकिन जिसे शिक्षा की रोशनी में भविष्य की रूपरेखा बनती दिख रही हो तो भला उसे कब तक कोई रोक सकता है। सुनीता की विकसित सोच सास की उन उलझुल बातों से कहीं ऊंची सोच थी, इसलिए उसके कदम विकास की दिशा की ओर बढ़ चले। सुनीता के बढ़े हुए इन कदमों का स्वागत किया गांव की कुछ जागरूक महिलाओं ने। सभी की सहमति से सुनीता को समूह की प्रधान चुना गया। सुनीता के कंधों पर पड़ी इस जिम्मेदारी ने उसे ग्रामीण बहनों का साथ और एक सुखद एहसास दोनों से भर दिया। हमने जी पहले पहले मीटिंग की थी और उसमें सारे सर आए थे ये साक्षरता वाले, तो हमने यहाँ मीटिंग करी। एक दो मीटिंग में महिलाएं आई नहीं, तो तीसरी मीटिंग में हम जो है सारी महिलाएं घर घर गए, घर घर जाकर उनसे समझाया जी भी ऐसे इस ये विद्या पढ़ाई तो ऐसी चीज है कि भी मतलब बंदे के ही काम आती है और किसी के काम नहीं आती। आपसी विचार विमर्श के बाद ये बात उभर कर सामने आई कि ग्रामीण विकास के कार्यों में असल मुद्दा तो शिक्षा है। बहनों को साक्षर बनाने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए। सुनीता ने पढ़ने लिखने के इस अभियान में न केवल स्वयं को बल्कि समूह की अन्य महिलाओं को भी पढ़ाया, क्योंकि सुनीता जानती थी कि किसी भी विकासशील सोच के पीछे शिक्षा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बहनों ने भी इस अभियान का पूरा फायदा उठाया और स्वयं को साक्षर बनाया। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अब समूह की महिलाओं ने निश्चय किया कि वे छोटी मोटी बचत करना भी शुरू करेंगी और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की साक्षरता प्रेरक नीलम ने। बचत समूह के तौर तरीकों से महिलाओं को बखूबी परिचित कराया गया। हर उम्र की महिलाएं समूह की सदस्य बनी, जिन्हें हर महीने 50 रुपए की बचत करनी होती थी। बहनों को अब आड़े वक्त पर पैसों की जरूरत पड़ने पर अब वे समूह से आर्थिक मदद ले सकती हैं। स्वयं की सहायता के इस अनूठे तरीके से बहनों के जीवन में भारी बदलाव आया। सिलाई सेंटर हमने खोला जी,
नहर केंद्र की तरफ से, उसकी भी प्रधान हूँ जी मैं। लड़कियां कहती थी ना कि भी हम मतलब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो फिर उन्होंने मतलब सिलाई सिलने भी अपने पास से भेजी और मैडम दी, तो फिर वो लड़कियां सीखी जी, 30-35 लड़कियां थी। समूह की महिलाओं ने बचत के पैसे का सही इस्तेमाल किया। किशोर उम्र की लड़कियों और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोला गया, जहां महिलाएं सिलाई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती थी। आज ये ग्रामीण लड़कियां सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर को सीखकर एक विश्वास के साथ जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। जागो बहना समूह की महिलाओं की इन छोटी छोटी सफलताओं ने इनकी जिंदगी में खुशियां भर दी है। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों से महिलाओं ने सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाना सीख लिया है। इस कलात्मक हुनर के सहारे वे भविष्य की एक उम्मीद देख रही हैं। आज इन रंग बिरंगी वस्तुओं से इन्होंने अपने घरों को सजाया है, कल ये इस कला को अपने रोजगार का जरिया भी बना सकती हैं। कठिन परिश्रम के बाद मिली सफलता का जश्न मनाने का आनंद ही कुछ और है। इस संगीत की धुन पर गिद्दा नृत्य करती इन लड़कियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। इन्होंने एक मजबूत विश्वास के आधार पर अपना सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण पूरा किया है। इन्होंने अपने वर्तमान को सजाया और संवारा है, भविष्य स्वयं ही संवर जाएगा। महिला मंडल की प्रधान है हमारे दूसरे, तो उसके उससे हमने पैसे इकट्ठे करे, थोड़ी सी वहाँ से ग्रांट मिल गई हमारे को, तो उसके बाद फिर हमने बर्तन ले आने, बर्तन ले आके हमने जो मतलब शादी शुद्धि होती है ना उसमें हम बर्तन दे देते हैं, वो हमारे को किराया दे देते हैं। जो गरीब हैं उनको हम वैसे भी देते हैं कईयों को, और जो मतलब अमीर से दिखते हैं उनके पास 2-4 रुपये फालतू भी ला लेते हैं। आपसी सूझबूझ और विचार विमर्श ने स्वयं सहायता के तमाम रास्ते खोले हैं। पहले जहां इन बर्तनों को लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, अब ये गांव में ही उपलब्ध है, और किराए के रूप में वसूली जाने वाली राशि समूह की बचत को एक मजबूत आधार देती है। प्रगति के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा ये जागो बहना समूह आज ग्रामीण विकास की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम है। इस समूह की एकजुटता का ही परिणाम है कि इनके द्वारा शुरू किया गया प्रत्येक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। कई सालों से गांव के तालाब पर कुछ संपन्न लोगों का कब्जा था, जिससे गांव के निम्न वर्ग के लोगों के लिए पानी की भारी समस्या थी। आज जागो बहना समूह की कोशिशों का ही नतीजा है कि एक तालाब अब किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। सारी महिलाएं जो हैं हम जी 25-30 महिलाएं हैं ग्रुप की, तो जो हम अपने दिल में ठान लेते हैं ना कि भी ये पूरा करना, और वो पूरा करके ही रहते हैं।
जागो बहना समूह ने हर उम्र की महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक समझा है। समूह की महिलाओं ने दूरदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए पंचायत की जमीन पर एक वृद्ध आश्रम की स्थापना की है, जिसमें खर्च की जाने वाली राशि समूह की कोशिशों का ही परिणाम है। ये आह्वान है देश की उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जिन्हें अपने सुनहरे भविष्य की मंजिल की तलाश है। ये आह्वान है उन बहनों के लिए जिन्हें अपने बुलंद हौसलों पर विश्वास है।